मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ, तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। 6 बजे 6:30 बजे के पास दोबारा गया मैं, तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे रात में नहीं दिखा सकते, तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी आईओ नहीं आएंगे तब तक हम नहीं दिखा सकते। मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, देश का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान नहीं है। मेरी भतीजी है श्रेया यादव जिसकी कैजुअलिटी हुई है। तो क्या पता लगा आपको, क्या जानकारी मिली? देखिए मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया, लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया, तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से, जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया तो बोले कि एक बार आप जो है RML में जाकर देख लीजिए, तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थी और 1 लड़का था, तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ, तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोले एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें, तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं, तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे रात में नहीं दिखा सकते, तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी आईओ नहीं आएंगे तब तक हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। आपको जैसा आप टीवी देख रहे थे, क्या आपको जानकारी मिली जब आपने देखा, क्या था मतलब? हाँ मैंने मैं जब न्यूज़ देखा तो तकरीबन 12:45 का समय था, मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा, तो मैंने सोचा न्यूज़ देख लूँ, तो उसमें ये आ रहा था कि राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं, करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअलिटी की एक आ गई खबर कि एक बच्ची की कैजुअलिटी हो गई, फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअलिटी आ गई, तो चूँकि एडमिशन मैंने ही कराया था तो मुझे पता था कि उसी में है, फिर मैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा कि अब मैं जाके देख के आता हूँ। फिर मैं रास्ते में जा करके कोचिंग वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था, तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला एक बंदा आ रहा था, एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया DP सिंह कोई हैं, तो DP सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर 2 कैजुअलिटी हुई हैं, 3 कैजुअलिटी हुई हैं, 2 बेटी और 1 बेटे की हुई है। तो फिर मैं मतलब बहुत ही मिसमैनेज लग रहा था, तो मुझे लगा कि पहले मैं जाके PG में देख लूँ उसके, क्योंकि PG मैंने दिलाया था, मैंने रखवाया था। तो मैं PG में करीब 1 बजे पहुँचा, तो 1 बजे जब पहुँचा वहाँ देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12:00 1 बज रहे हैं, तो अगर होती तो यहीं आती। फिर मैं दोबारा वापस आया, वहाँ DCP साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बार RML के में जाके मोचरी में देख लीजिए। तो मैं करीब 2:30 बजे से यहाँ हूँ। रात इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण के जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा ज़रूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बने हैं नहीं बने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है, तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी, तो इसको रोका जा सकता है और रोकना चाहिए, ये देश का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान नहीं है।